हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20.81, लगभग 6.07% का गेन देखने को मिल रहा है। और इंडिया विक्स एक कंसर्न बन सकता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कंसर्न बन सकता है? ठीक है, अगर इसी लेवल के ऊपर काम करे और 22 के आसपास में ट्रेड करना चालू कर दे तो समझ जाइएगा कि हम हाई लेवल पे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बार मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है 22 के लेवल पे आने के बाद में। थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि निफ्टी में भी हम आप देखें तो लगभग 13,000 के आसपास का ट्रेड आज के आसपास में हमने किया हुआ है। 12,950 के ऊपर का ट्रेड हमने किया हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है, अभी 29,024 पे काम कर रहा है। और निफ्टी 12,926 लाइफ टाइम हाई के आसपास में, लाइफ टाइम हाई तोड़ा भी आज, बनाया भी, इनफैक्ट क्लोजिंग नहीं हुई है लाइफ टाइम हाई पे, फिर भी 67 पॉइंट्स का गेन अच्छा पॉइंट है। निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो 941 पे यानी प्रीमियम में काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल डिस्काउंट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। पॉइंट वाइज निफ्टी ने गेन किया, बैंक निफ्टी ने लूज किया है, 211 पॉइंट लूज किया हुआ है। निफ्टी के अंदर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, अच्छा खासा नहीं बोल सकते पर यस, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी म्यूटेड देखने को मिला है इफेक्ट, लेकिन यस, थोड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला रिलायंस की तरफ से। सो किस तरह का चार्ट के ऊपर में पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ट्यूसडे के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर एंड ऑप्शन चेन के माध्यम से। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों, आज के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था, बेसिकली ये 3 पार्ट में हमने इनिशिएट किया हुआ था, 81, 72 एंड 55 रुपीज़ में लिया हुआ था। 3 लॉट लिया बेसिकली यहाँ पे आज, जिसके लिए 3 लॉट का एग्जांपल दिया, 3 बार में ट्रेड इनिशिएट किया गया था। लगभग 73 के आसपास में स्क्वायर ऑफ के, बाद में 93 तक भी गया, लेकिन जिस तरह का ट्रेड हो रहा था ऐसा लग रहा था कि शायद से आइदर साइड का मूवमेंट आ सकता है एक बार। बिकॉज ऑफ दैट इसे 73 पे TSL हिट हुआ, 5.29% का प्रॉफिट बुक का, एनी हाउ लॉस नहीं हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपको मिल रहे होंगे आइदर कम्युनिटी टैब पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे तो आप 8291802926 पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे वो आपको हेल्प कर देंगे। सिर्फ कंडीशन एक है कि ये ट्रेड आपको आपके मोबाइल पे लेने के लिए आपका प्लेटिनम मेंबर होना जरूरी है। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले ये जो 3 दिन बचे हुए हैं इस मंथली एक्सपायरी के अंदर में, इसमें किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो जिस तरह से निफ्टी के अंदर में शुरू होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, सेम वे बैंक निफ्टी में भी शुरू होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फर्क सिर्फ इतना रहा कि निफ्टी ने आज के दिन का हाई वापस से अचीव किया, इनफैक्ट उसको तोड़ के उसके ऊपर भी गया, पर बैंक निफ्टी में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बैंक निफ्टी के अंदर में जब भी हम
हाई के पास में जा रहे हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और जब भी हम लो के पास में जा रहे हैं वहां से हमें पोजीशंस बनते हुए नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल है 29,000, उसके आसपास में काम कर रहा है। सो एक पैटर्न बन रहा है यहां पे, और इस पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इस पैटर्न के चलते हुए कल के दिन में या परसों के दिन में, लेट्स से कल के दिन में ज्यादा चांसेस है जहां पे आपको 700 to 800 पॉइंट का मूवमेंट देखने को वन डायरेक्शन में मिल सकता है। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये नहीं बोला जा सकता, बट एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होते हुए नजर आ सकता है कल के दिन में। ऑलमोस्ट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने 13 नवंबर एंड 20 नवंबर को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ की हुई है। आज इसी के अंदर में पूरा काम करते हुए नजर आए। इंपॉर्टेंट लेबल्स के आसपास में हम काम कर रहे हैं, 29,000 जैसा मैंने बताया, 29,000 के आसपास में काम कर रहे हैं। एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। सपोर्ट कहां पे? अगर 29,000 तोड़ता भी है, इन केस अगर 29,000 तोड़ा तो 28,800 ये एक रेंज है जहां से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट टाइम 20th को हमने 28,600 के आसपास से बाउंस बैक किया था। सो एक्सपेक्ट करिए कि आप 28,800 तोड़ते हैं सो 28,600 आएगा, लेकिन अगर 28,600 टूटा तो इंट्राडे जो ट्रेंड होगा वो बैरिश हो जाएगा और आपके सामने 28,000 आते हुए भी नजर आ सकता है। एनी हाउ व्हेन वी से यहाँ से इस लेवल से 700-800 पॉइंट्स का मूवमेंट, सो ऊपर की तरफ 29,700 आता है, 29,700 पे प्रेशर है क्या? 29,551 के आसपास में रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 28,300 के आसपास का लेवल समझ में आ रहा है। सो 28,300 नहीं, 28,400 के आसपास से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस। क्या करना चाहिए? ट्रेंड जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रायंगल को तोड़ने के बाद में, वॉल्यूम से तोड़ने के बाद में आपको आराम से 500-700 पॉइंट्स के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। सो एक बार इस ट्रायंगल को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ऊपर की तरफ अभी भी 29,000 पे प्रेशर है, माफ करें 30,000 पे अभी भी ऊपर की तरफ प्रेशर है, और आज के दिन में ऑप्शन चेन में थोड़ा एक्शन भी देखते हुए नजर आ रहा है 30,000 में। नीचे की तरफ 28,600 लास्ट सपोर्ट लाइन है, इसके बाद में 400 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा आपको। सो 28,600 एक कॉन्ट्रा कॉल बनेगा, एक बार कॉन्ट्रा कॉल ले लेना चाहिए, और 30,000 के आसपास में एक बार सेल करना चाहिए। यहाँ से 1,000 पॉइंट है हम। सो क्या करना चाहिए? अगर इन केस अगर 29,300 टूटा तो भी एक बार बाय क्रिएट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 29,700, ये करना चाहिए कल के दिन में, और ये करना हो सकता है बेनिफिशियल हो। एक बार डेली कैंडल पे, डेली चार्ट पे देख लेते हैं, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना है, बट निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है। निफ्टी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास में आज का दिन भी कैंडल क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, लेकिन बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास में नहीं हो रहा है। कल के दिन अगर हम 30,000 को निकाल लेते हैं, 30,000 के ऊपर काम करना चालू करते हैं, तो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा आने वाले वीक के अंदर में। फिर 30,500-31,000 के लेवल्स भी एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल के दिन में 29,800 के ऊपर क्लोजिंग होना उसके लिए जरूरी है। कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बन रही है। क्लोजिंग हुई है 29,000 के पास में, और 29,000 को हम एट द मनी कंसिडर करके चलेंगे, एंड सिंस 29,500 का मल्टीपल है तो यहाँ पे आपको पोजीशंस भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। सो 29,000 पे 31,241 लॉट्स ओपन है कॉल साइड में, 32,111 लॉट्स ओपन है पुट साइड के अंदर में। ओपन इंटरेस्ट देखिए 48,489 29,500 का, 48,246 30,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, एंड देन उसके बाद में 32,000 एंड 30,000। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 30,000 पे प्लेस्ड है। अगर ये 30,000 टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये समझने की अगर कोशिश करें तो एक चीज़ पहले यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पे हुई है आज के दिन में 15,849, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 29,500 पे है। कल के दिन में अगर 200-300 पॉइंट का जंप देखने को मिला, ओपनिंग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और वो लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो एक बार यहाँ पे प्रेशर आएगा 31,000 पे, यानी 29,000 कॉल राइटर्स पे प्रेशर आएगा, उसके चलते हम ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस कॉल राइटिंग में देखने को मिला है उतना कॉन्फिडेंस पुट राइटिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। पुट राइटिंग माफ करें पुट के अंदर में अगर देखें तो 28,500 पे 33,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 35,000 का ओपन इंटरेस्ट 28,000 पे देखने को मिल रहा है, एंड देन फिर 40,000 का ओपन इंटरेस्ट 27,000, यानी डीप ओटीएम में 40,000 की राइटिंग देखने को मिल रही है, लॉट ओपन देख रहा है।
क्या हो सकता है यहाँ पे, आप अगर आप नंबर्स देखेंगे कॉल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग की गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में राइटिंग की गई है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आएंगे जो कि बुल्स के लिए सही नहीं है, जो कि एक निगेटिव बायस दिखाता है मार्केट के अंदर में। सो निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ में क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी निगेटिव बायस के साथ में क्लोज हो रहा है। सेम वे अगर पॉइंट्स भी देखें तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया, निफ्टी 60 पॉइंट प्लस ऊपर जाते हुए नजर आया। सो जिस तरह से आज दिन भर का ट्रेड हुआ उसी तरह से परफेक्टली बनता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन चेन। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, कल का दिन देखना है 29,000 पे, यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है, यहाँ पे राइटिंग कंटिन्यू होती है। अगर अनवाइंडिंग होती है 29,000 पे तो आप ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। So, दोस्तों ये बात हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप निफ्टी का व्यू भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आने वाला वीक एंड आने वाला जो एक्सपायरी है वो आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।